देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबरों के साथ। उससे पहले आपको बता दें कि मुरादाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश जफर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने बंधक बनाया था उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश था जफर। आपको बता दें शिकंजे में खनन माफिया और मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है जफर। चलिए दूसरी ओर पढ़ लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है लल्लन को लेकर। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का पीएम मोदी पर हमला बयान है। बता दें आपको कि डुप्लीकेट पिछड़ा है नरेंद्र मोदी, ऐसा लल्लन सिंह कह रहे हैं। बड़ी जानकारी से रूबरू करवा दें, ये चाय बेचने वाला नहीं, लल्लन सिंह का ये बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया है कि ढोंगी को पर्दाफाश करने का टाइम आ गया है। लल्लन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि सीएम बनने के बाद अपनी जाति ओबीसी करवाई है, लल्लन ऐसा कह रहे हैं। और 10 साल से ही पीएम नरेंद्र मोदी जो थे उनको लेकर बयान दिया है, 10 साल से पीएम रहेंगे तो जनता को हिसाब दे, ऐसा लल्लन कह रहे हैं। रोजगार महंगाई को लेकर जवाब दे पीएम मोदी, ऐसा लल्लन का बयान सामने आया। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। हिजाब विवाद पर AIMIM नेता शौकत अली का विवादित बयान सामने आ गया है। आपको बताते चले कि देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, शौकत अली ऐसा बयान दे रहे हैं। और इसके साथ ही संविधान से तय होगा कि कौन क्या पहनेगा, ये शौकत अली कह रहे हैं। देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी, बड़ा बयान दे दिया है शौकत अली ने। और देश हिंदुत्व नहीं संविधान से चलेगा, शौकत अली का बयान सामने आया। हिमाचल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल दौरे पर जाएंगे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा रहेगा हिमाचल का। अमित शाह सिरमौर में ही रैली को संबोधित करेंगे और 12 नवंबर को चुनाव को लेकर ही सियासी घमासान लगातार तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अमित शाह का अब हिमाचल दौरा रहने वाला है। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में से खबर है, जहां पर IED के बरामद किया गया है। और इसके साथ ही बांदीपोरा सोपोर रोड पर यातायात रोका गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, मौके पर ही बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर गुरुग्राम के एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। ऑटो पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री बताई जा रही है, जहां पर ऑटो पार्ट बनाने वाली फैक्ट्री में ही भीषण आग लग गई है। बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ही ये जो आग है उससे वहाँ पे हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही आग बुझाने में जुटी दमकल की 24 गाड़ियां वहां पर मौजूद है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको गुरुग्राम से, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। यूपी से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 6502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए हैं। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं, यूपी से बड़ी जानकारी है, जहां पर 6502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जो है उन्हें चिन्हित किए गए हैं। 6502 में से ही 5200 मदरसों पर सर्वे पूरा हुआ है। सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 20 अक्टूबर तक सभी मदरसों का सर्वे पूरा होगा। 31 अक्टूबर तक सर्वे टीम DM को रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं यूपी से, जहां पर 6502 में से 500 मदरसे की बात हो रही है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में बताए जा रहे हैं, 20 अक्टूबर तक सभी के लिए ये जो जानकारी है वो बता रहे हैं आप। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।